नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। Okay, so all right. So basically, it's a great thing to be here at Malad Masti for me particularly, because I'm a Malad ka munda, and I live so close by that every Sunday I listen to the shor and early in the morning, and I wonder that Saturday night ke baad itna zyada shor kaun macha raha hai, and I've never been here, but this is the first time and I'm amazed. इतनी तादाद में इतने सारे लोग एक साथ देखकर इन द बैक रोज ऑफ मलाड, आई थिंक इट इज़ अनदर लेवल। मलाड इज रियली इवॉल्व एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर। आई बिलीव देर आर मोर देन 50,000 पीपल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मलाड राइट नाउ, जस्ट द बैक स्ट्रीट ऑफ मलाड राइट नाउ एट मलाड मस्ती। फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट, आई कैन सी द क्राउड, दे आर सो एक्साइटेड टू बी हियर, एंड सुबह सुबह आए सब, यू नो दे हैड टू वेक अप अर्ली एंड कम हियर, but the sheer excitement that I saw, I like first thing for me in the morning, they made me so happy. मैं बहुत मज़ा आया मराठ मस्ती में आके, इतनी rocking audience और concept असलम शेख जी का और यहाँ के जितने helpers हैं, बहुत ही अच्छा जमाया सबने और बहुत अच्छा performance भी रहा। audience ही अच्छी होती है तो एक energy ऐसे ही आ जाती है, और मुंबई की audience और मराठ की audience का तो जवाब ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहली बात तो ये सुनकर जब मुझे ललित सर ने बताया कि भाई ये इतने अच्छे कॉज के लिए ये फंक्शन हो रहा है, माल न्यूट्रिशन से जो प्रभावित पीड़ित बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये मलाड मस्ती प्रोग्राम रखा जाता है, तो वो सुन के ही दिल इतना अच्छा हुआ कि किसी अच्छे कॉज से हम जुड़ रहे हैं। सेकेंड चीज़, असलम जी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, हम लोग इतना बिजी रहते, सर कितना बिजी रहते होंगे असलम जी, तो 60,000 क्राउड सी, सो मतलब इट्स अमेजिंग कि मतलब इतना बिजी होने के बावजूद वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और इतना अच्छा सोचते हैं कि आर्टिस्ट और लोगों को ज्वाइन करके इतना अच्छा मैसेज सब लोगों तक पहुंचाए, तो ये इनिशिएटिव असलम जी का बहुत ही काबिल तारीफ। मुझे लगता है ऐसे ही जैसे हमारे असलम शेख जी हैं, ऐसे ही लोग हमारे गवर्नमेंट में आना चाहिए जो कि मेहनत करें लोगों के लिए और उनका उनके लिए काम करें, उनके भले के लिए काम करें, ऐसा सब लोग नहीं करते जैसा असलम जी। बहुत साल पहले से बदनाम कर रखी है, वही बदनाम होती आ रही है, होती रहेगी, उसका कुछ तोड़ ही नहीं है, खाली अवार्ड्स में देखती हैं। तो ऐसे कलाकारों से रिक्वेस्ट करके हम इनको ला रहे हैं यहाँ पे, और मलाड मस्ती जो हमने पहले साल 25,000 शुरू की थी, आज 70-80,000 तक का क्राउड पहुँच चुका है। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि पूरे जो हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के जो लोग हैं, इन तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनको सामने देख सके, उनको फील कर सके और उनके साथ एंजॉय कर सके। स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं क्या? अभी ये खाली जो मलाड मस्ती है, खाली ये इवेंट स्टेज का नहीं है, इसके अंदर सौ से ज़्यादा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, योगा है, जुम्बा है, कराटे है, बहुत सारी जो नई नई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आ रही वो सारी यहाँ पे होती है। आप स्केटिंग करते हुए देख सकते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल जो टीवी से ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं और जो आजकल जो मीडिया से और सोशल मीडिया से और मोबाइल और गेम्स से बाहर नहीं निकल पा रहे, फिजिकल वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए जो है ये सुबह उठेंगे 7 बजे और अपनी एक्सरसाइज के मोड में आएंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छा कड़क हिंदुस्तान बनेगा जो हमारा पहले था। तो मुझे लग रहा था मैं सारी रात एक मिनट भी नहीं सोया था, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी, लेट हो गई, तो मुझे लग रहा था कि आवाज़ निकलनी नहीं, पर एकदम जब क्राउड को देखा, एकदम उनका उत्साह जो देखा, मतलब एप्रिसिएशन देखी, तो आपने देखा ही फिर मज़ा आ रहा था। मतलब मेरा वो उसमें कुछ नहीं होता, हमारे गुरबानी में कहते हैं कि जो कुछ 613, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ 613। मगर मैं असलम भाजी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे आप एक्टिविटीज़ चला रहे हो ना, हम आपको किडनेप करके ना पंजाब में ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की पंजाब में बहुत ज़रूरत है जो यूथ को एक नई डायरेक्शन दे सके, यूथ को एक्चुअली बिजी कर सके कि वो नशे ना करें। और ये देखा आपने कि अगर कोई नशा करे तो इतना टाइम नाच ही ना पाए, मतलब पौना घंटा कैसे पागलों की तरह नाच रहे थे और पूरी मस्ती कर रहे थे। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।